उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव से चंद महीनों पहले योगी सरकार का आखिरी कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज शाम 5:30 बजे के आसपास नए मंत्री शपथ भी ले सकते हैं। योगी कैबिनेट को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से तो कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि 7 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। पिछले कई महीनों से यूपी में कैबिनेट विस्तार होने की चर्चा जोरों पर थी। इसको लेकर आरएसएस और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच भी कई मीटिंग हुई थी, लेकिन सवाल एक ये भी उठता है, जब विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हुए हैं तो फिर कैबिनेट विस्तार की जरूरत क्यों है? तो इसका जवाब है अगले साल विधानसभा चुनाव। दरअसल इस कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी उन जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश में है जिसका सियासी फायदा मिल सकता है। इस बार कैबिनेट में उन जातियों को जगह देने की कोशिश है जिनका प्रतिनिधित्व अभी तक कम था। कैबिनेट में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को जगह मिलना तय माना जा रहा है। जिन 7 नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है उनमें जितिन प्रसाद, संगीता बिंद, छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, दिनेश खटिक, संजय गौड़ और धर्मवीर प्रजापति के नाम हैं। क्योंकि ये योगी सरकार का आखिरी कैबिनेट विस्तार होगा, इसलिए इस बार जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश हो रही है। यही वो वजह है कि इस बार जितने नाम हैं उनमें से ज्यादा दलित जाति से हैं, जिनमें पलटू राम, दिनेश खटिक, धर्मवीर प्रजापति शामिल हैं। बरेली से छत्रपाल गंगवार भी कैबिनेट में रहेंगे। इसी इलाके से आने वाले सांसद संतोष सिंह गंगवार को हाल ही में मोदी कैबिनेट से हटाया गया है। इसी तरह कुछ महीनों पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को भी कैबिनेट में जगह मिलनी तय है। जितिन प्रसाद ब्राह्मण हैं, उन्हें विधान परिषद भी भेजा जाएगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन जातियों को अभी तक मंत्रिमंडल या फिर विधान परिषद में जगह नहीं मिली उन्हें बीजेपी इस बार जगह देने जा रही है। कैबिनेट में गाजीपुर से विधायक संगीता बिंद को भी जगह मिलनी तय मानी जा रही है। संगीता बिंद मल्लाह समुदाय से आती हैं। धर्मवीर प्रजापति भी दलित समुदाय से आते हैं। काफी वक्त से बीजेपी से नाराज चल रहे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। चर्चा थी कि उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें एमएलसी ही बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर 7 मंत्री पद और 4 एमएलसी के जरिए बीजेपी जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही है ताकि 2022 में होने वाले चुनाव में उसे फायदा मिल सके। गोमती का किनारा या सरयू का तट, इमामबाड़े की सीढ़ी या ताज की चौखट, बनारस की सुबह, अवध की शाम, संगम किनारे जहां जुटते खासो आम, चाय की चुस्की में यहां सरकारें हैं बन जानी, भैया ये यूपी है, यहां सबई है ज्ञानी, तो खबर चियो कौन हो जानकारी अब ना पाएगी अटक, देखो भैया यूपी तक।